कल की एक एक्सरसाइज का एक सवाल आया है, उस वो डाउट आया कि कल अच्छे से समझ में नहीं आया था, तो उसको आज हम फिर से बताते हैं। तो डाउट है श्रद्धा का, तो पांचवा सवाल फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3 एक्स, और एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब एक्स आर के बिलोंग टू भी होना चाहिए और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ये सवाल है हमारा कि एफ एक्स क्या है, 2 माइनस 3 एक्स, एक्स आर के बिलोंग टू में होना चाहिए और एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ना कि 0 के बराबर। आइए ऐसे दो फलन बनाते हैं जिसमें क्रमशः ऐसा वाद रियल नंबर लिखते हैं जो 0 से बड़ा हो। तो हमारे पास जो डाटा है वो है 1, कि बहुत सारे 1 और 2 के बीच में होंगे, फिर बहुत सारे 2 और 3 के बीच में भी होंगे, फिर बहुत सारे 4 के बीच में भी होंगे, बहुत सारे 5 के बीच में भी होगा, ऐसे डॉट 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 करके बहुत दूर तक जाएगा। वही हाल इसके साथ भी है, 1 2 3 4 5 बहुत दूर तक जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें से एक ऐसी संख्या लीजिए जो 0 से बड़ी हो, 0.1 ले लीजिए। तो 0.1 लेने पर क्या आने वाला है, तो ये यक्स है, ये देखो क्या है, ये यक्स, इसे मैं मिटा ही देता हूं, ये हट ही जाए, ये हमें नहीं पता क्या है, ये है एफ एक्स, ये हमें नहीं पता, ये है यक्स, ये हमें नहीं पता। मेरे पास एक डाटा है, जब मैं 0.1 लो, इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, एक डाटा मैं ले रहा हूं 0.1, उस समय एफ एक्स कितना प्राप्त होगा, 1.7, 1.7 बोले हाँ या ना, 2 माइनस 3 गुणे 0.1, 2 माइनस 0.3 यानी 1.7, बोले हाँ या ना, है कि नहीं। अगर 0 आए, एक तो वैल्यू रखो जो कि नहीं हो सकता, 0 रखने पर जो कि नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 माइनस 3 × 0 क्या हो जाएगा, तो 2 कितनी वैल्यू आई, 2, और इस 2 वैल्यू, तब एफ एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये 2 में से कुछ घटाना है, 0 तो नहीं घटा सकते, बाकी कुछ भी घटाएंगे तो जरूर 2 से कुछ कम होगा, तो एफ एक्स क्या आ रहा है, हमेशा 2 से क्या आएगा, छोटा, 2 से क्या आएगा, छोटा, 2 के बराबर नहीं, 2 से छोटा, और 0.1 रखूंगा तो आ जाएगा हमारा 1.7। अगर मैं यहां पे 1 रख दूं तब क्या आएगा, तो आएगा -1, तब ये इसको मिला देते हैं, ठीक। अगर मैं 2 रख दूं, अगर मैं 2/3 रख दूं, ये बताइए, 2/3, इसके बीच में बहुत सारी संख्या आ सकती है, इसके बीच में 2/3 रखने पे क्या आएगा, 0। अगर मैं 2 रख दूं, और भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे, उनमें से 2 रख दूं, क्या आ जाएगा, माइनस, अगर 3 रख दूं,
अगर चार रख दूं, जीरो रखने पर दो आएगा जो कि एफ एक्स दो नहीं हो सकता, दो से कम होगा, लेकिन एक भी आ सकता है। एक कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू क्या रखूं कि एक आ जाए, माइनस एक, नहीं गलत, एक बटा तीन, कितना एक बटा तीन, एक्स की वैल्यू माइनस में तो रखना ही नहीं है, जीरो से बड़ा माइनस में रखना ही नहीं है, पॉजिटिव में चाहे कुछ भी रख दीजिए, एक बटा तीन रख दीजिए तो कितनी आ जाएगी? अगर एक बटा तीन रखेंगे कितनी आ जाएगी? आधा कब आएगा? आधा, एक बटा पांच कब आएगा? जीरो दशमलव पांच कब आएगा? एक बटा दो कब आएगा? एक बटा छ, नहीं नहीं, एक बटा तीन, आधा लाना है ना, पांच बटा छ, कितना? देखिए दो माइनस तीन घोड़े पांच बटा, नहीं नहीं अच्छा ऐसे ही कब मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ निकालने के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ से निकालें, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए कितनी? एक बटा दो, और एफ एक्स कितना है? टू माइनस थ्री एक्स, एक बटा, तो थ्री एक्स उधर चला गया और दो में से एक बटा दो गया, तीन बटा एक्स बराबर तीन बटा एक बटा दो रखना, कितना रखने पर? एक बटा दो रखने पर एक बटा दो ही आएगा, एक्स की वैल्यू दो से कम होगी, जीरो भी हो सकती है, माइनस में अनंत तक हो सकती है, लेकिन दो नहीं हो सकती और दो से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा ही रखना है तो दो से ज्यादा कब होगा? जब x की वैल्यू जीरो से कम रखा जाए तभी वो दो से ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में जो f x आएगा हमारा वो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, या फिर f x क्यों कह रहे हैं? f x तो आपका 2 माइनस थ्री एक्स ही आएगा, आप इसको परिसर कहिए ना, परिसर क्या क्या, यही f x क्या है? परिसर, कि इसमें जितने लोगों को तीर मिला है तो परिसर क्या आएगा? परिसर आएगा, परिसर, परिसर आएगा। अच्छा बड़ा ब्रैकेट नहीं रखते क्या? अंतराल और दो नहीं, दो से समझे कि नहीं समझे? यही आंसर क्या? नहीं समझ में आया? अब आया? आया कि नहीं आया? क्या दो आता है, जीरो से बड़ी रखनी है, और जब भी जीरो से हम बड़ी रखते हैं तो वो आंसर दो से छोटा आता है, और जैसे जैसे जीरो से जितनी ज्यादा बड़ी रखेंगे वो उतना ही दो से छोटा होता जाएगा, जीरो तक आ जाएगा, माइनस तक आ जाएगा, बहुत दूर तक आएगा। और अगर दो से या दो के बराबर लेना है तो जीरो रखना पड़ेगा, अगर दो से बड़ा लाना है तो जीरो से कम एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है दो से ज्यादा। तो हमारे परिसर क्या क्या बन सकते हैं आर में? माइनस इनफाइनाइट से दो से कम है ना, यही आंसर हो सकता, कोई दिक्कत? ये एक्सप्लेनेशन हो गया। एक और डाउट आया है कि दूसरा वाला बता दीजिए, दूसरा वाला बता दीजिए, मैं दूसरा वाला फिर से बता दूंगा, सब मिटा दूंगा।
आइए फिर से देखिए, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू है, और एक्स कुछ भी रख सकते हो, तो कुछ भी रख सकते हैं, तो क्यों ना इनफाइनाइट रख के देख लें, एक माइनस इनफाइनाइट रख के देख लें। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखूं तब क्या आएगा, एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट, बोलो हाँ ना, माइनस इनफाइनाइट का वर्ग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, माइनस इनफाइनाइट का वर्ग प्लस टू इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अगर मैं x इक्वल टू जीरो रख दूं तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, और अगर मैं प्लस इनफाइनाइट रख दूं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। क्या दो से कम आ सकता है, दो से कम कब आएगा? चलो ये तो हो गया हमारा, जीरो रखने पर कितना आ गया, एफ एक्स दो आया है ना, दो से कम और दो से ज्यादा कब आएगा? तो जब मैं जीरो से एक ज्यादा रखूं, जीरो दशमलव एक रख के देखता हूं, तो जीरो दशमलव एक का मान कितना होगा, क्या दो से ज्यादा है? कब रखने पर, जीरो से जितना ज्यादा रखूंगा दो से उतना ज्यादा आंसर है, जीरो से अगर एक रख दूं तब तीन आएगा, दो से ज्यादा एक नहीं आया, तो जीरो से जितना ज्यादा संख्या रख रहा हूं आंसर दो से ज्यादा आ रहा है, और जीरो से कम रखने पर जीरो दशमलव नौ रखिए, पहले जीरो दशमलव नौ कवर हो जाएगा, जीरो दशमलव आठ एक, जीरो से कम रखिए, जीरो ज्यादा रख दिया, जीरो ज्यादा जीरो दशमलव एक रखा तो आंसर दो से ज्यादा है, जीरो रखने पर कितना आ रहा है, और जीरो से कम पर देखते हैं, और जीरो से ज्यादा पर देखते हैं, तो जीरो से कम कौन हो सकता है, माइनस है ना, माइनस माइनस जीरो पॉइंट वन, तो माइनस जीरो पॉइंट वन पे भी दो दशमलव जीरो एक आएगा, ये माइनस वन रखने पे भी क्या आएगा, थ्री आएगा, यानी कि जीरो से कम रखोगे तो भी दो से ज्यादा, बोलिए जीरो से ज्यादा रखने पे भी दो से, जीरो से जितना इनफाइनाइट तक रखोगे माइनस इनफाइनाइट में भी कितना आएगा, प्लस इनफाइनाइट, और जीरो से ज्यादा में अगर प्लस इनफाइनाइट भी रख दिए तो कितना आएगा, कभी भी आंसर दो से कम आ ही नहीं सकता, आ सकता है क्या, और कहां से कहां तक, तो दो से कहां तक, तो दो आ सकता है कि नहीं आ सकता, यानी ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, और से कहां तक, प्लस इनफाइनाइट, और इसके लिए हम सब आपके बुक का आंसर देख लीजिए, यही है ना, अब समझ में आया कि नहीं आया, हाँ हमें इस आंसर से मतलब है बस, और किसी चीज से मतलब, ठीक। और कोई डाउट पूछ लीजिए, कौन सा पूछिए, विविध प्रश्नावली से कौन सा बोली, पहला ही, आइए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे तभी ना आएगा, लेकिन याद रहे एक दिन में एक प्रश्न, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका
इस समर वेकेशन में सिलेबस नहीं खत्म हो सकता, इसको ध्यान रखते हुए चलिए। अब अपना पूछिए, x² भी हो सकता है और 3x भी हो सकता है, और x की वैल्यू 0 से और 0 के बराबर से 3 के बराबर या 3 से कम होना चाहिए, और x के बराबर 3 के बराबर 10 से कम आने पे क्या आएगा, 3x आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी तरीके से gx भी x² और 3x है, लेकिन वहां पे 2 से बराबर या 2 से कम पर है, और 2 से बड़ा अगर होगा और 10 से कम होगा तो ये है। तो यह एक फलन है, जबकि g फलन नहीं है, इसको हमको दर्शाना है। आंसर हमको पहले से ही पता है, बस हमको दर्शाना है। कोई दिक्कत, हल करें। चलिए मान लेते हैं मेरे पास x के कौन कौन से आंकड़े हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब इससे ज्यादा नहीं x लेना है और न 0 से कम लेना है। कोई दिक्कत? रियल नंबर है कि नहीं है ये नहीं बताया गया है। रियल नंबर होता तो 0 से 1 के बीच की भी सारी संख्या आ जाती। नहीं, इस पूरे fx में x की जो वैल्यू है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, वही आ रहा हूं। ये बताता है इस हिस्से में आपको क्या लेना है, x² और इस हिस्से में क्या लेना है। अब आपको fx बनाना है, मान लो ये सर्कल के अंदर है, तो बताओ येलो वाला तीर सर्कल के अंदर है तो ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, बोलो हाँ या ना। सोचो ये अगर सर्कल के अंदर है, बोलिए, बनाते हो ना, आओ बना देते हैं एक एक करके कि क्या वैल्यू आती है। जब 0 रखेंगे तो, जब 1 रखेंगे तो, जब 2 रखेंगे तो, जब 3 रखेंगे तो, जब 4 रखेंगे तो, समझो जब 4, अब क्योंकि 4 आया है तो उस स्थिति में fx क्या रखना है, तो x की जगह क्या रखोगे, तो 4 तिया बोलो। जब 5 रखेंगे तो, बोलते चलिए 18, 21, 24, 27 और क्या कोई संख्या रिपीट हुई, हुई नहीं, तो इसका मतलब ये फलन है। मुहर लगाओ इस पे। दूसरे कंडीशन में 3 को भी लेना है। अच्छा, तो आओ 3 को भी लेते हैं, तो भी तो इसको बस ये करना है, सुनो इसको क्या करने मालूम है, इसको यहां तक लेना है ना, अब इसको यहां तक लेना है। अब इसमें x² होना चाहिए और इसमें, अब इसके दो तीर हैं, एक इसके ऊपर से जो x² में एक्सप्लेनेशन में आया, अब 3x में भी इसी के ऊपर जाएगा 9 ही बनने, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ या ना, तो इसके आंसर क्या आई, तो क्या किसी ऐसा भी वैल्यू है जिसमें x की वैल्यू रखने पे fx के दो जगह तीर जाता हो, दो मान आते हो, नहीं एक ही मान आ रहा है ना, सही, तो फलन है, मुहर लगाओ। लेकिन जब x हमारा सेम 0, 1, 2 यहां से यहां तक, और उसके बाद फिर 2 के बाद 2 से 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बोले हाँ या ना, कोई दिक्कत? क्या हम सर्कल बनाएंगे तभी समझ में आएगा, बोलिए। तो fx क्या होने वाला है,
जी एक्स क्या होने वाला है। अच्छा जब ये रखिएगा तो इसका वैल्यू रखना है एक्स स्क्वायर, और इन सब के लिए क्या रखना है, बोलो हाँ या ना। आइए जब जीरो रखूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बोलो जी, अच्छा ये पीले कलम से लिख दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलो हो जाओगे कि नहीं, जीरो। एक रखने पे क्या आएगा, दो रखने पे चार, लेकिन दो रखने पे थ्री एक्स क्या आएगा, अब ध्यान देना। एक रखने पे क्या आया, दो रखने पे एक्स स्क्वायर के लिए क्या आया, और दो रखने पर थ्री एक्स के लिए क्या आया, तो फर्क क्या, अब तो समझ में। बाकी तीन रखने पर, चार रखने पर, पांच रखने पर, छह रखने पर, सात रखने पर, आठ रखने पर, नौ रखने पर, दस रखने पर, बोलो ये इस पे क्या मुहर लगी, फलन नहीं, यह इसका ठप्पा। कोई दिक्कत, बोलो कोई समस्या, और कौन सा डाउट है, इसी का। जब चौथा ही है तो चौथा ही लिखे ना, क्या है चौथा, एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन है, वास्तविक फलन एफ का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। वास्तविक एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स बराबर माइनस इनफाइनाइट जीरो प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच में भी एक आंकड़ा ले लीजिए तो ज्यादा समझ, माइनस एक प्लस, बोलो हाँ ना। अब इसके लिए देखते हैं एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स देखते हैं क्या होगा, इसको लिख देता हूं थोड़ा नीचे, इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक, माइनस एक अनडिफाइंड नहीं हो सकता, जीरो अनडिफाइंड नहीं हो सकता, जीरो से कुछ भी ज्यादा हुआ तो पहले जीरो दशमलव एक पे भी देखिए, जीरो दशमलव एक पे भी अनडिफाइंड, माइनस एक में से जीरो दशमलव एक घटेगा तो माइनस जीरो दशमलव अनडिफाइंड, कोई दिक्कत। एक रखने पर जीरो आएगा, एक से कम नहीं रख सकते, तो एक्स की वैल्यू, एक्स का मान एक से कम नहीं रख सकते, नहीं तो वास्तविक फलन नहीं आएगा, रख सकते, कोई दिक्कत। एक से कम एक रख सकते हैं, एक से ज्यादा दो रख के देखिए, दस रख के देखिए, पचास रख के देखिए, है ना, इनफाइनाइट तक रख के देखिए, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यही क्या है, बोलो क्या है, प्रांत, प्रांत क्या आएगा, एक रख सकते हो, एक रख सकते हो क्या, तो ऐसा ब्रेकअप लगाइए,
और इनफाइनाइट के लिए? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? परिसर क्या आ रहा है? जीरो। तो परिसर क्या आने वाला है? जब आप जीरो एक रखते हो तो कितना आता है? और दो रखने पर, तीन रखने पर, एक से ज्यादा, चार रखने पर, एक से ज्यादा, दो नहीं, पांच रखने पर, लेकिन ध्यान रहे अंडर रूट है, हर के दो मान होंगे, यानी जीरो दशमलव मतलब एक, जब एक्स की वैल्यू एक रखेंगे तो कितने उत्तर आएगा? दो मान आएंगे वास्तविक फल, दो कितने मान आएंगे? एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में माइनस में भी तो आएगा। अरे यार जब दो रखोगे तो दो माइनस एक क्या आएगा? एक, और एक का वर्गमूल माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक, तो जितना वो आ रहा है मतलब जीरो के साथ साथ वो प्लस में भी जा रहा है, और परिसर क्या आने वाला है? माइनस इनफाइनाइट से देखिए इसका आंसर क्या है। एक से इनफाइनाइट, मैं फिर बता रहा हूं, एक से इनफाइनाइट तो सही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्यों आ रहा है मेरे नजरिए में? क्योंकि हर एक संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक ऋणात्मक संख्या भी आती है। जीरो के लिए मैं जीरो कह रहा हूं, लेकिन दो के लिए क्या आएगा? तो फलन नहीं होना चाहिए भाई, एक संख्या यक्स की किसी मान के लिए अगर यफ एक्स दो मान आ रहा है तो वो फलन, जबकि फिर भी ये गारंटी ले रहा है कि वास्तविक फलन चाहिए चाहिए, तो उस स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि भैया कहां से कहां तक? जीरो से इनफाइनाइट। देखिए कितना आ रहा है, बाकी मुझे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। हाँ तो उसकी भी वैल्यू दो होती है, एक प्लस में एक, एक प्लस 1.414, एक माइनस 1.414, क्यों नहीं होती है? हाँ बोलिए कौन सा आ रहा है इन दोनों में से? मैं समझ पा रहा हूँ, और कौन सा? सब पूछ ले रहे हो यार, इस तरह तो ये थी कि विविध नहीं कराए जाएंगे, पूछ सब ले रहे हो, चलो इसको क्रॉपी कर देते हैं। अच्छा उत्तर की हो सकता है, लेकिन चल पा कह रहा है कि यह एक्स और एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यह बराबर इतना है और एक्स आर है, तो आर से आर में फलन है, यह का परिसर निर्धारित कीजिए कि परिसर क्या होगा, परिसर मतलब सेकेंड। ये तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू रखो, पहले क्या क्या रखेंगे? R, X belong to R के लिए क्या क्या होगा? मतलब माइनस इनफाइनाइट, ए माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस इनफाइनाइट, पहले जीरो रखिए, तो जीरो बटा एक यानी कितना आएगा? माइनस एक रखिए, माइनस एक कवर एक, नीचे भी वन प्लस वन, वन अपान, और प्लस वन भी रखेंगे तो भी वन अपान, समझो समझो, इसके ऊपर चाहे जितना लेंगे जीरो से कम आता जाएगा, इसके ऊपर भी चाहे जितना लेंगे जीरो से कम आता जाएगा, जीरो से कम आता, क्या
माइनस वन आ सकता है? आप देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए, तभी ये परिभाषित होगा कि इसका मान माइनस में जा सकता है ना। देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस उधर गया, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये नहीं हो सकता। यानी किसी भी संख्या के लिए एफ एक्स क्या नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। जीरो से कम, अब ये जीरो से कम कौन बोला, जीरो से एक बटा दो, जीरो से एक बटा दो जो है, एक बटा दो ज्यादा है, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, एक से कम है, क्या इसकी वैल्यू वन आ सकती है? ये भी चेक कर लेते हैं, क्या इसकी वैल्यू वन आ सकती है? तो हटाओ इसको, इसको वन लिखिए, इसको भी वन लिखिए, ये क्या हो जाएगा, एक बटा दो, और एक्स की वैल्यू एक बटा दो क्या हो जाएगा, वन अपान रूट, तो कोई दिक्कत, वन अपान रूट टू क्या हो सकता है, एक से ज्यादा कि एक से कम, एक से कम, बोलिए। तो इसकी वैल्यू एक आ सकती है अगर क्या हो जाए, वन अपान रूट, क्या दो आ सकती है, चेक कर लो क्या दो आ सकती है, अब दो पे चेक कर लीजिए भाई, एक आ सकता है, हाँ है ना, जब x की वैल्यू क्या हो, एक बटा, क्या क्या बात है, क्यों नहीं आएगा, अच्छा गलती कर दिया था क्या, ओहो x स्क्वायर नहीं आ सकता, एक नहीं आ सकता, तुम गलती कर दिया ना, x स्क्वायर यानी नहीं आ सकता, क्या कभी एक आ सकता है, लेकिन जीरो से एक के बीच में आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या याद करना है, परिसर निर्धारित करना है, तो परिसर क्या होने वाला है, जीरो तो हो सकता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे यार आ रहा है, आंसर कितना, चलो आज आप लोग जो है विविध वाला भी पूछ लिए, लेकिन कोशिश करिए कि हम लोगों को नोट्स खत्म करना है, ठीक है, और कौन सा, और कोई सवाल है इसमें, नोट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ खत्म हुआ ये चैप्टर, क्यों नहीं हुआ, अरे और कौन सा सवाल इसमें, पूछिए पूछिए जल्दी, हाँ मान लीजिए f ए बी कामा ए प्लस बी है, और ए बी इज बिलोंग टू जेड, और व्हाट इज जेड, इंटीजर्स, पूर्णांक, मतलब दशमलव नहीं हो सकता, लेकिन माइनस जीरो और प्लस हो सकता है, बोलो हाँ या ना, द्वारा परिभाषित है, जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है, क्या f जेड से जेड में एक फलन है, जेड से जेड की जगह लिख दीजिए जेड क्रॉस जेड में एक फलन है ना, अपने उत्तर को औचित्य भी स्पष्ट करिए, तो ए और बी जो है वो जेड का कोई भी नंबर हो सकता है, आप तो इंटीजर से बता रहे हैं, पूर्णांक
किसे आई से दिखाते हैं? उड़ान को किसे दिखाते हैं? उड़ान को किसे दिखाते हैं? और धन उड़ान को? तो कहा आंसर है? और ऋण उड़ान को? तो इसका आंसर आने वाला है, ये मतलब इसका एक आंसर है, पहले तो ये फलन नहीं है। पूछ रहा है क्या यफ जेड क्रॉस जेड, ये क्रॉस है, जेड में एक फलन है? तो जेड क्या है? पूर्णांक है। तो जेड के कोई भी दो नंबर लेके हम लोग क्या ए बी और ए प्लस बी के दो नंबर, दो वैल्यू ला सकते हैं? तो जैसे मैंने कह दिया कि a बराबर 0 और b बराबर 1, तो ab क्या आएगा? 0 और a प्लस बी क्या आएगा? 1 आएगा। अब a बराबर 0 और b बराबर 2 मान लीजिए, तो ab क्या आएगा? 0 और ab क्या आएगा? 2 आएगा। तो अवयव a 0 के दो प्रतिबिंब 1 और 2 हैं, है ना, एक भी आ रहा है और, तो यानी आता है या फिर फलन, समझ में आएगा? इसका आंसर आपको अपने दिमाग से लगा कर देना। देखो कई गणित में ऐसे सवाल होते हैं जो अभी आपको उसके उत्तर में फिर बता रहा हूँ, अभी आप अपना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट इन पे दिमाग खर्च मत करिए, आप पहले इसके उत्तर को जानने की कोशिश करिए। इसका उत्तर सीधा सीधा है कि यह एक फलन नहीं। पहले मेरे थॉट से एप्पल की स्पेलिंग बिना किसी शर्त के ए डबल पी यानी पढ़ना सीखिए। जब खूब रट लिया ए डबल पी यानी ए डबल पी यानी, तो बाद में समझ में भी आ जाएगा एप्पल को एप्पल की स्पेलिंग ए डबल पी यानी क्यों है, तब आप दूसरा भी बनाने लगेंगे। लेकिन अभी डायरेक्ट ये फलन नहीं है, इस पर एक उत्तर स्पष्टीकरण आपका नोट्स कंप्लीट। चलिए, डाउट बहुत लंबा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं।